नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर की छावनी अनाज मंडी में, जहां लाल चने की जो आवक है वो लगातार बढ़ती और घटती नजर आ रही है। चूंकि यदि बात करें तो ये समय जो है वो लाल चने के आने का है। यही कारण है कि लाल चने के आने के समय में किस तरह का व्यापार अभी देखने मिल रहा है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं, व्यापारी हैं हमारे साथ उनके पास, उनसे ही जानते हैं किस तरह का आवक अभी जो है बनी है मंडियों में और किस तरह की डिमांड जो है वो वर्तमान में देखी जा रही है। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि किस तरह की आवक अभी हमारे पास देखने मिल रही है और क्या कुछ डिमांड चने की अभी है? अभी इंदौर अनाज मंडी के अंदर तो किसानी में 300-400 बोरी की आवक है। वैसे समय तो आवक का है, बाकी इस बार क्या है बोनी थोड़ी कम है इंडिया में, और सरकार जो है इस पर नियंत्रण पाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। सरकार द्वारा अभी दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से जो चना आता था इसके ऊपर 66% ड्यूटी थी, जिसे सरकार ने एक मतलब शून्य कर दिया। क्या सरकार ने सोचा इससे बहुत बाजार दब जाएगा, मगर पता पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने चने की रेट बढ़ा दी, इसलिए क्या इफेक्ट तो है। चना की आवक बहुत कम है हमारे यहाँ पे और धीरे धीरे आवक कम होती जाएगी, और सरकार जो है इस पर नियंत्रण कैसे पाती देखो। आपने जिस तरह की बात करी कि आवक जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो क्या लगता है सरकार अब इम्पोर्ट करने की स्थिति में आ गई है क्या? चने का जो है आयात हम लोग करेंगे भारत में? नहीं, चने का आयात तो करेंगे, मगर आयात ऊंचा पड़ेगा तो मतलब ही नहीं करने से ना। अपने यहाँ का चने इतना सस्ता है भी कि आयात ऊंचा पड़ने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा, पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार की क्या स्थिति रही, और यदि आने वाले समय में हमारे पास दाम बढ़ते हैं तो पिछले साल की तुलना में इस साल दाम में भी कितना असर हमको देखने मिलेगा? अगर पिछले साल जी में देखा जाए तो सीजन में कम से कम 1800 रुपये तेज है चना। आगे स्थिति यह है कि चने में और तेजी आने की संभावना है, चना एक बार 7000 टच कर सकता है। और यदि बात करें तो कहां कहां से हमारे पास चना आता है और अभी वर्तमान में डिमांड कहां कहां से हमारे पास चने की जाता है? लोकल डिमांड ही बहुत सारी अपने यहाँ तो, बाहर तो अभी निर्यात के तो विशेष कोई बात नहीं है। आयात के लिए अपन जो है ऑस्ट्रेलिया से चना आयात करते हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया चना आने की उम्मीद भी, क्योंकि अभी उनके यहाँ बोनी चल रही है, हो सकता है उनके यहाँ फसल अच्छी आए तो बाजार कम हो जाए। यदि हम बात करें तो चने का उपयोग हमारे पास किस किस तरह का होता है, और चने के उपयोग के बाद आने वाला समय जो है वो त्योहारी सीजन का है, वैवाहिक सीजन का है, तो क्या उस समय हमारे पास डिमांड जो है लोकल डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, अभी तो एक महीने डेढ़ महीने शादियाँ हैं नहीं, एक डेढ़ महीने तो बाजार ही स्थिर रहेगा, एक डेढ़ महीने के बाद बाजार बढ़ सकता है। अनुभवी व्यापारी हैं, कहाँ तक अब की बार व्यापार जाने की संभावना है और पिछले साल की तुलना में इस साल अंतर कितना दामों में हमको देखने मिलेगा? पिछले साल से समझो आपके 1000-1200 रुपये ऊपर देखने को मिलेगा। माल किस तरह का आ रहा है, क्या मौसम का असर माल पर पड़ा? नहीं, माल अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया, माल में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, वर्तमान में मंडियों में कितना माल आ रहा है और कितनी क्वांटिटी हमारे पास जो है वर्तमान में आ रही है, क्या जितनी डिमांड है उतना हमारे पास माल आ रहा है? अभी डिमांड कम है इसलिए, नहीं तो बाजार अभी बढ़ जाता। डिमांड अगर अच्छी निकलती तो चने में अभी तेजी के संयोग अच्छे थे, बाकी डिमांड के हिसाब से माल आ रहा है, सही दिक्कत नहीं है अभी कोई भी। आने वाले समय में जो माल आएगा उसके किस तरह की स्थिति है, क्या किसानों के पास अभी स्टॉक है या फिर किसानों के पास स्टॉक खत्म हो चुका है? स्टॉक की स्थिति तो किसानों के पास नहीं, व्यापारियों के पास पुराना माल का स्टॉक भी है अभी, क्योंकि पिछले साल चने का भाव जो है साल भर एक समान रहा कम से कम, तो इसलिए आदमी माल नहीं बेच पाया, तो पिछले साल का स्टॉक भी है व्यापारियों के पास। किसानों के पास तो नए माल का स्टॉक ही सही, वो ला ही रहे हैं, धीरे धीरे माल आ रहा है। क्या लगता है अब की बार पुराना स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ नया व्यापार भी जो है ठीक ठाक चल जाएगा? हाँ, अगर बाजारों में तेजी आई तो स्टॉक पुराना पूरा खत्म हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो कहाँ तक दाम जाने की संभावना आप बता रहे हैं? बस 7000-7200 एक सपोर्ट प्राइस आएगी इसका, अगर माल की आवक कम रही और डिमांड हुई तो 7000 तक का भाव आ सकता है चने का, 7000-7200। निश्चित तौर पर तो चना व्यापारी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है वो चने के व्यापार के लिए अच्छा माना जा रहा है, और निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो चने के व्यापार के दाम है वो लगातार चने के दाम जो है वो बढ़ जाए। इसी के साथ साथ पुराना स्टॉक क्लियर होने की संभावना भी व्यापारी जता रहे हैं, और साथ ही साथ नया व्यापार भी अच्छा खासा होगा इसकी उम्मीद भी व्यापारियों को अब लगी हुई है। इंदौर की छावनी अनाज मंडी से नमन मटके।